जब तक नेगेटिव थिंकिंग रहेगी भाई भाई लड़ते रहेंगे, और पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी तो पति पत्नी जल्दी से, हमें पति पत्नी एक दूसरे की तारीफ करते हुए मिलते नहीं हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में यही देखते हैं कि जल्दी से हमें पति पत्नी एक दूसरे की तारीफ करते हुए मिलते नहीं हैं। मैं लोगों से कहा करता हूं, भाई आप पति पत्नी हो तो भी मर्यादा में रहो, पति पत्नी हो तो भी मर्यादा में रहोगे। अगर पति पत्नी मर्यादा में रहेंगे तो एक दूसरे के साथ थूक फजीती नहीं करेंगे। तुमने अपने आप को इतना ज्यादा समर्पित कर डाला एक दूसरे के लिए कि तुम्हारी कमियां वो जानती है और उसकी कमियां आप जानते हैं। अब दोनों ही एक दूसरे की कमियां जानने लग गए तो मर्यादा खंडित हो गई। अब जिसके नाम पर जो चाहे सो ठोकते चले जाओ, जिसके नाम पर जो इच्छा हो सो बोलते चले जाओ, मर्यादा रखते तो शायद पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता। अब पति पत्नी में झगड़ा जल्दी से कोई किसी की तारीफ करते हुए मिलता नहीं है। पुरुष लोग फिर भी बेचारे संयम रख लेते होंगे, पुरुष लोग फिर भी कह देते हैं साहब, किसी भी पुरुष से कहो कि साहब आपकी बीवी बहुत अच्छी है, वैसे वो आजकल वो भी थोड़ा सत्य बोलने लग गए, आजकल वो भी सत्य बोलने लगे। मैंने एक बहन जी से कहा, मैंने कहा बहन जी आप तो यार रोज नई नई साड़ी पहनकर आते, आप रोज रोज नई साड़ी पहनकर आते हैं, बड़ी टनाटन कितनी साड़ियां होंगी। बोले है बहुत है। मैं कितनी साड़ियां होंगी, 200-300 तो होंगी। बोले हाँ है, इतनी तो है। पति उनके बगल में खड़े थे। मैंने कहा यार आप तो अपनी पत्नी का बहुत लाड करते हैं यार, 200-300 साड़ियां। बोले साहब मेरी सारी कमाई उसी में तो खर्च होती है। आजकल अब पति लोग भी सत्य बोलने लग चुके हैं। बाकी तो हर पति यही कहता है सब बस गुरुजनों की कृपा है, प्रभु की कृपा है, माइतों के आशीर्वाद हैं, सब अच्छा है। पत्नी को बोल के देखो तो पत्नी की प्रतिक्रिया थोड़ी तीखी होती है। क्या होती है, अब मैं तो अपने मुंह से कैसे बोलूं, लोग आके बोलते हैं तो पता चलता है। हर पत्नी अपने पति से पति के लिए कहती है, और तो ठीक है मगर थोड़े डांटते बहुत हैं, और तो ठीक है थोड़ा गुस्सा ज्यादा करते हैं, और तो ठीक है थोड़ा सा। और भाई साहब कुछ कमी है उनमें तभी तो आपसे शादी की, उनमें कुछ कमी थी तभी तो आपसे शादी की। अगर वो सर्वगुण संपन्न होते तो चंद्र प्रभु महाराज नहीं बन जाते, उनमें कुछ कमियां थी इसलिए आपके पल्ले पड़े। वो संत आदमी नहीं है इसलिए आपके पल्ले पड़ गए। मैं कहता हूं ऐ मेरे भाई बहनों, ये जिंदगी के रथ के दो पहिए हैं, इनमें बैलेंसिंग अगर बैठा कर चलोगे जीने का आनंद आएगा। स्वर्ग आपका मरने के बाद नहीं होगा बल्कि आपका अपने पति पत्नी के रूप में जीना भी अपने आप में स्वर्ग हो जाएगा, वो भी अपने आप में आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा। एक दूसरे को प्यार कीजिए, एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच रखिए। एक महिला एक्सीडेंट हुई, घायल हुई, अस्पताल में भर्ती हो गई, उसे होश तो आ गया पर अपनी याददाश्त खो बैठी। पति रोज उसके लिए टिफिन लेकर जाता है, सुबह नाश्ते के समय नाश्ता पहुंचाता है, खाने के समय खाना पहुंचाता है, फिर दुकान जाता है, शाम के वक्त फिर अपनी पत्नी को संभालने के लिए चला जाता है। 3 महीने बीत गए मगर पत्नी की याददाश्त लौट कर नहीं आई। वो कहती नहीं कि ये मेरा पति है, वो जब भी जाता है पूछती है कौन हो तुम, क्यों आए हो मेरे भाई, पता नहीं वो किस किस तरह की बात उससे बोलने लग जाती। एक दिन उसके पति के दोस्त ने उससे कहा यार तेरी पत्नी याददाश्त खो चुकी है तो छोड़ना, अब रोज कब तक तू इसकी सेवा करता रहेगा, लुगाइयों की कमी थोड़ी है यार, एक जाएगी तो दूसरी आएगी। अब वो तो अपना याददाश्त खो बैठ, तू है जो उसके पीछे लगा हुआ है, बार बार जा रहा है कि मेरी पत्नी है, छोड़ इसे। पति ने कहा तेरी बात अपनी जगह ठीक है भाई कि मैं छोड़ दूं, पर मैं उसे तब छोड़ देता जब मेरी भी याददाश्त जा चुकी होती, जब मेरी भी याददाश्त जा चुकी होती तो मैं भी उसे छोड़ देता। अरे मेरे भाई मेरी पत्नी की याददाश्त चली गई है, वो भूल चुकी है कि मैं उसका पति हूं, पर मैं कैसे भूल जाऊं कि ये मेरी वो पत्नी है जिसने मुझे इतने सुंदर सुंदर 2 बच्चे पैदा करके दिए। मैं कैसे भूल जाऊं कि रात दिन मेरे सुखों का वही ख्याल रखती थी। मैं कैसे भूल जाऊं
कि जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था वो टिफिन पहुंचाने के लिए दुकान पर मेरे पास ही आ रही थी। वो मेरा भोजन पहुंचाने के लिए दुकान पर टिफिन लेकर के स्कूटर पर मेरे पास आ रही थी और उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया। आज वो अपना याददाश्त खो बैठी है। अरे वो अपना याददाश्त खो बैठी तो क्या हुआ, मुझे तो अभी तक याददाश्त है कि ये मेरी प्यारी प्यारी पत्नी है। ये मुझे तो याददाश्त है। पत्नी के द्वारा याददाश्त खोए जाने के बावजूद अगर पति उसका सम्मान, पति उसकी सेवा को अगर बरकरार रखता है तो मैं कहूंगा इसी का नाम है सकारात्मक सोच।